हाय दोस्तों, वेलकम टू दी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉन्सेप्ट का खेल। वी आर टॉकिंग राइट नाउ रिगार्डिंग फोरेंसिक ट्रॉमेटोलॉजी एंड रिमेंबर कॉन्सेप्ट का खेल इज अ सीरीज जो हम फोरेंसिक मेडिसिन के लिए इस समय रन कर रहे हैं। दी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग INICT एंड NEET PG एग्जामिनेशन। तो कॉन्सेप्ट के खेल में विदिन द टॉपिक ऑफ फोरेंसिक ट्रॉमेटोलॉजी आज हम क्या चीज देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ गेपिंग ऑफ अ लीजन। ये गेपिंग क्या चीज होती है और ये क्या वेरिएशन लेकर के आती है किसी लीजन के अंदर, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेपिंग। सी, गेपिंग इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंशियल कटिंग ऑफ लाइन्स ऑफ लैंगर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइन्स ऑफ लैंगर कोई चीज होती है। लाइन्स ऑफ लैंगर क्या चीज होती है, लाइन ऑफ लैंगर्स का मेडिकोलिकल इम्पोर्टेंस क्या है, दैट डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी हैज डिफरेंट फाइबर्स अरेंज्ड डिफरेंटली इन देम। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, वो चीज हमको दिखाई दे रही है इस फोटोग्राफ के अंदर। इफ यू लुक एट द फोटोग्राफ, व्हाट डू वी सी, दैट फाइबर्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आर अरेंज्ड डिफरेंटली। इफ यू विल सी द अपर बैक, ये इस तरीके से है कुछ डायगोनली, राइट? इफ यू विल सी द आर्म्स, ये गोल गोल है रेडियली। ऑन द अदर एंड इफ यू विल सी द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, अपर एंड ऑफ द चेस्ट में ओब्लीक फाइबर अरेंजमेंट है, मिड पार्ट ऑफ द चेस्ट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ फाइबर है, राइट? अगर हम वही चीज जो है वो अपनी थाइज में देखें तो हमें दिख रहा है इस तरीके से डायगनल अरेंजमेंट है। आउटर एस्पेक्ट में इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इन फाइबर्स के अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, इसमें देखने वाली चीज क्या है कि कोई भी पेनिट्रेटिंग वेपन जब बॉडी को पेनिट्रेट करेगा तो वो इन फाइबर्स को काटता हुआ जाएगा। अब ये फाइबर्स किस तरीके से कटे हैं वो डिसाइड करेगा कि उस पेनिट्रेटिंग वुंड की विड्थ क्या होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आइए वो एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए ये किसी एरिया में बॉडी के लाइंस ऑफ लैंगर की अरेंजमेंट है, राइट? अब हम बॉडी के इस एरिया को परपेंडिकुलरली काट रहे हैं, यानी कि एक पेनिट्रेटिंग वेपन इन लाइंस ऑफ लैंगर को परपेंडिकुलरली काट रहा है कुछ इस तरीके से। तो लाइंस ऑफ लैंगर परपेंडिकुलरली कटेंगी तो उनका क्या हश्र होगा, लाइंस ऑफ लैंगर परपेंडिकुलरली कटेंगी तो वो कुछ इस तरीके से कटने के बाद में रिट्रैक्ट करेगी, राइट? जो रिट्रैक्शन है वो परपेंडिकुलर कटिंग की वजह से लाइंस ऑफ लैंगर में हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वुंड जो है वो फाइबर्स के खिंचने की वजह से ज्यादा फैलेगा, सो देयर विल बी मोर गेपिंग। व्हाट डू वी सी, There will be more gaping if lines of languor are cut perpendicularly. राइट? एंड व्हाट इफ लाइंस ऑफ लैंगर परपेंडिकुलर नहीं, थोड़े से पैरेलल ही कटे, आइए वो भी देखते हैं। सो इफ वी आर गोइंग टू कट, लेट्स से दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ लैंगर इन एन एरिया, और इस एरिया को हम जो है वो एक पैरेलल काइंड ऑफ कट दे रहे हैं जहां पर लाइंस ऑफ लैंगर जो है वो परपेंडिकुलरली नहीं कट रही। तब कैसे दिखाई देगा ये वुंड हमें, तब ये वुंड हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है।
right? So if we are going to cut the lines of languor parallelly, the wound may look like this, right? So you can see the comparative gaping is less. So less gaping if lines of languor cut parallel. ठीक है, तो lines of languor उस body के area में perpendicular कटी है या parallel कटी है वो determine करता है कि उस wound की gaping क्या होगी. इस concept को question में किस तरीके से पूछा जाता है वो भी देखते हैं. आइए, so consider करिए ये MCQ. A man is attacked by an assailant with a knife. Single attacker, single knife, right? The victim has multiple cuts and stabs on his body. एक attacker ने multiple time attack किया, तो multiple cuts हैं, multiple stabs हैं victim की body पे. But the width of the injuries are different. सारी injuries के width different हैं. The forensic examiner is of the opinion that the victim has been attacked by multiple people carrying different weapons. Because the width of the injuries are different, the forensic examiner thinks that he probably has been attacked by multiple people carrying multiple weapons, right? But the eyewitness says only one attacker and one weapon was there. Why the wounds have different width? The options are, the attacker changed the weapon. So in between the attack, the attacker kept on changing different weapons. Okay, just to complex or situation ko aur uljhane ke liye. The eyewitness is lying, eyewitness jhoot bol raha hai. Different width as line of languors are cut differently. Or the forensic examiner may have assessed the injuries wrongly. Aapko kya best possible answer lagta hai? Aur humne already dekha, the best answer is different width at the lines of languor are cut differently in different areas. वो perpendicular कटी हैं, oblique कटी हैं, parallel कटी हैं, वो determine करेगा कि same weapon से दिए जाने वाली injury at different parts of the body can have different width because some injuries will gape more, some injuries will gape less. इसी तरह की कुछ और चीजों के साथ मैं आपको मिलूंगा मेरे चैनल पे और आपके साथ में आपकी फोरेंसिक जर्नी का प्लेयर डॉक्टर सुमित.